हेलो एवरीबॉडी, नमस्ते। आज की इस रीडिंग में उन लोगों को हेल्प मिल जाएगी दोज हु आर अनेबल टू फॉरगेट देयर पर्सन। आपके हस्बैंड, वाइफ, लवर या बिलवेड ने आपके साथ कुछ गलत किया है, काफ़ी कुछ पेन आपको दिया है, पर फिर भी आप उन्हें अगर नहीं भूल पाए हैं तो ऐसे में दिस रीडिंग कैन गिव यू सम क्लैरिटी, सम आइडिया। और आपको इस पर तभी एज ए गाइडेंस इसे लेना है जब बताई हुई सिचुएशन एक्चुअली आपसे मिल रही हो। सो लेट सी कि वाई आर यू अनेबल टू फॉरगेट द पर्सन हु हैज़ एक्चुअली हर्ट यू। इतना सब कुछ होने के बाद भी अगर आप अपने पर्सन को नहीं बुला पाए हैं तो व्हाट्स द रीज़न बिहाइंड, लेट्स ट्राई टू नो ऑल दीज थिंग्स। सो इसके लिए यू प्लीज़ फोकस ऑन योर पर्सन, रिलैक्स रहें, उनको माइंड में रखें। लेट्स सी व्हाई आर यू अनेबल टू फॉरगेट द पर्सन हु हैज़ एक्चुअली डन समथिंग रॉन्ग विथ यू। भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल तो कंसीडरिंग सम कार्ड्स, कुछ कार्ड्स को देखते हुए कुछ हद तक ये बात समझ में आ रही है कि इट्स अ कार्मिक रिलेशन और पास्ट लाइफ का रिलेशन ये है। द वर्ल्ड है, द डेविल है, 10 of coins है जो कि फैमिली को दिखाता है, और 3 of swords थर्ड पार्टी पेनफुल सिचुएशन को दिखाता है। तो करंट सिचुएशन आपकी ये है कि योर पर्सन हैज़ एक्चुअली हर्ट यू, बहुत हर्ट उन्होंने कर दिया है आपको, बट यू आर स्टिल फीलिंग अट्रैक्टेड टू देम। आप उन्हें अब भी नहीं भूल पाते हैं, मे बी आप उनको ड्रीम में भी देखते हैं समटाइम्स। सो अगर ये करंट सिचुएशन है तो लेट्स ट्राई टू नो कि हुआ क्या था ऐसा पहले कि आप इस पर्सन को अब तक नहीं भुला पा रहे हो, क्या ये रिलेशन रहा है। आपके पर्सन के एंड से घर में जो भी इनके मदर फिगर, सिस्टर फिगर, कज़िन जो भी हैं, मतलब इनके खुद के फैमिली मेंबर्स में से सम ऑफ देम हैज़ डन सम ब्लैक मैजिक, कुछ ब्लैक मैजिक आपके पर्सन पर उन्होंने किया है, इस वजह से ये सब कुछ आपके बीच हुआ है। ये पर्सन आपसे इस लाइफ में जुड़े थे सिर्फ और सिर्फ अपनी डेविल एनर्जीज के लिए, और डेविल एनर्जीज से मेरा मतलब है बिकॉज ऑफ अट्रैक्शन। आपके लिए इनका अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा था, दैट्स वाई ये पर्सन आपसे लाइफ में जुड़े। आपको इनके ओर से लव रिसीव हुआ था, इन्होंने खुद आपको प्रपोज किया था, और डेफिनेटली अब तो जाकर चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। पास्ट लाइफ कुछ ना कुछ कनेक्शन है, और यहाँ पर पास्ट लाइफ का जो कनेक्शन है वो हिसाब किताब बराबर होने वाला ही है। आपके एंड से या उनके एंड से कुछ चीज़ें ऐसी रह गई थी जिनका हिसाब किताब फ़िलहाल बराबर हुआ नहीं था, और ये सिचुएशन जो आपके बीच क्रिएट हुई है इसे होना था ताकि जो भी गिव एंड टेक बाकी है वो कम्प्लीट हो सके। ऐसे में भी इफ़ यू आर स्टिल अट्रैक्टेड टू देम, आप उनसे अभी भी अच्छा कनेक्शन फील करते हैं, तो लेट्स सी कि आउटकम क्या निकलने वाला है अब आपकी सिचुएशन का। व्हाट्स गोइंग टू बी द आउटकम ऑफ योर सिचुएशन। साइन यहाँ पे सभी हैं, जोडियक सभी हैं। अगर एनर्जीज ये वाली सिचुएशन आपसे मिली हो इनिशियल बताई हुई, तो फिर ये रीडिंग एज ए गाइडेंस आप देख सकते हैं। तो
नाउ लेट्स ट्राई टू नो क्या कुछ रहा है. एक्चुअली आप दोनों का कार्मिक कनेक्शन तो है ही. द डेविल द वर्ल्ड कार्ड इज हियर. कार्मिक कनेक्शन तो है और इसमें आई कैन सी कि पास्ट लाइफ को अगर इफ़ यू कंसीडर आप बिलीव करते हैं तो यू हैव बीन टुगेदर. आप दोनों एक दूसरे के साथ रहे भी हैं. आपका एक फैमिली अपना इंडिविजुअल रहा है और एक बड़ा बदलाव आना था तो दैट इज़ हियर. वो यहाँ पर है. डेथ कार्ड है जो कि रीबर्थ को भी शो करता है, री ट्रांसफॉर्मेशन को भी शो करता है. तो कुछ तो पास्ट लाइफ का कनेक्शन इसमें दिखाई दे रहा है जिसे इक्वली गिव एंड टेक नहीं हुआ था और अब वो होना है. नाउ वी आर गोइंग टू सी कि इतने के बाद भी व्हाट्स गोइंग टू बी द आउटकम. आपका अब फ्यूचर क्या है दोनों का. कूल, वेरी गुड. सो फिलहाल आपका जो आउटकम है वो कुछ इस तरह से होने जा रहा है. हैप्पी फैमिली आपकी बनेगी, नो डाउट. आप काफ़ी समय से इस पर्सन के लिए एक्सपेक्ट कर भी रहे हैं, प्रेयर कर भी रहे हैं और यूनिवर्स से भी प्रेयर कर रहे हैं कि ये सब आपके साथ क्यों हुआ है. टेन ऑफ कॉइंस यहाँ पास्ट लाइफ में भी देखा जा सकता है और अभी भी टेन ऑफ कप्स है. तो हैप्पी फैमिली आपकी इस पर्सन से डेफिनेटली बनेगी. आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी और ये अपॉर्चुनिटी जो होती है एस ऑफ पेंटिकल्स, इसे यूनिवर्सल अपॉर्चुनिटी हम कहते हैं. तो ये यूनिवर्स की तरफ से ही आपको एक और मौका मिलेगा. ट्रांसफॉर्मेशन आना ज़रूरी था इसलिए ये सब कुछ आपके रिलेशन में हुआ है. एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी आपको. यहाँ क्वीन ऑफ वेंड्स हैं और यहाँ पे किंग ऑफ वेंड्स हैं. तो कपल्स यहाँ पर भी हैं. हैप्पी फैमिली दो बार यहाँ भी दिखाई दे रही है आपको. सो दिस इज़ डेस्टाइंड, ये होना ही होना है. वंस अगेन आपको लव ऑफर मिलेगा इनकी तरफ से और दिस इज़ इट्सेल्फ द कार्ड ऑफ स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी का कार्ड है, रिलीजियस कार्ड है. तो आपका कनेक्शन बनेगा. बस थर्ड पार्टी सिचुएशन फिलहाल कुछ टाइम के लिए है बट यहाँ जजमेंट है सो इट विल बी रिकवर्ड. ये रिकवर होगी. सो इसलिए आप अपने पर्सन को नहीं भुला पा रहे हैं बिकॉज कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन रहा है. दोनों जुड़े भी रहे हैं पास्ट लाइफ में और कर्मों का हिसाब किताब भी बराबर नहीं होना था, नहीं हुआ था. ये ट्रांसफॉर्मेशन डेथ कार्ड बहुत ज़रूरी था कि ट्रांसफॉर्म हों आप दोनों ताकि आपका न्यू साइकिल यहाँ से बिगिन हो और आपकी हैप्पी फैमिली बन सके. आप दोनों को अच्छी अपॉर्चुनिटी यूनिवर्स से मिल रही है एक्चुअली. लेट्स सीक सम एंजल्स गाइडेंस. एंजल्स व्हाट वुड यू से अबाउट दिस कनेक्शन. एंजल्स क्या कहना चाहेंगे आपके इस कनेक्शन के बारे में, क्योंकि आज आपको कुछ मिस्ट्रियस पता लगा है अपने कनेक्शन के बारे में. तो लेट्स सी एंजल्स क्या बोलते हैं. लेट गो, लेट गो कह रहे हैं एंजल्स. मतलब जो हुआ है उसे भूल जाइए से मतलब है कंप्लेनिंग एटीट्यूड नहीं रखना है. जो भी हुआ है लेट इट गो, उसे जाने दीजिए क्योंकि अब जो होना है दैट्स द ब्राइट फ्यूचर. ये ब्राइट फ्यूचर है. तो आपके साथ आपके पर्सन ने कुछ भी किया है लेट गो, उसे जाने दीजिए. एंड कंसीडरिंग ऑल दिस थिंग्स आप अपनी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटीज़, यूनिवर्सल अपॉर्चुनिटीज़ आपको तब ही मिल पाएंगी व्हेन यू हैव एक्चुअली ट्रांसफॉर्म्ड योरसेल्फ. आपने अपने आप को भी अगर ट्रांसफॉर्म कर लिया है, आप रेडी हैं यूनिवर्स से ब्लेसिंग्स लेने को, यू आर रेडी का कार्ड है यहाँ पर, तब ही ये फ्यूचर आपका दिखाई दे रहा है. तो ओवरऑल आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है. जो हुआ है उसे लेट गो करना है, होने दीजिए. आप अपनी लाइफ में जैसे ही फोकस्ड होंगे आपके साथ ये सब चीज़ें वापस से स्टार्ट होंगी एंड इस बार फाइनल कमिटमेंट तक आप पहुंच सकते हैं. यहाँ किंग ऑफ वेंड्स है, यहाँ क्वीन ऑफ वेंड्स है, कपल तो हैं ही और ये कार्ड भी खुद मैरिज कार्ड होता है, रिलीजियस कार्ड है. सो गाइज दिस इज़ द रीज़न यू आर अनेबल टू फॉरगेट योर पर्सन.